हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा मित्र रंजीत एक्सपोज वाच आर के चैनल में स्वागत करता हूं। आईपीएल के 16वें सीजन के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला का दूसरा पार्ट आपको बताने जा रहा हूं। मुंबई इंडियंस को घरेलू मैदान में हार का सामना करना पड़ा। उसे चीर प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग वानखेड़े स्टेडियम में 8 अप्रैल को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर एक गेंद में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हार कर दूसरी सीजन के जीत हासिल की। तीनों मैचों में चेन्नई की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट ने हराया था। पहले मैच में गुजरात टाइटंस के उसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो सीजन की लगातार दूसरी हार है। पिछली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को शिकस्त दी थी। चेन्नई के सुपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर एक गेंद में 3 विकेट पर 159 रन बना मैच अपने नाम किया। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ने तूफानी पारी खेली। जडेजा ने गेंदबाजी में 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं रहाणे ने बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा दिया। उन्हें चेन्नई की तूफानी शुरुआत इसका फ़ायदा हुआ और उसे आसानी से रन चेज कर लिया। रहाणे ने 27 गेंद पर 61 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए और ऋतु गायकवाड़ ने 36 गेंदों में 49 रन बनाए। शिवम दुबे ने 26 गेंदों में 28 रन। अवंती राइडो ने 16 गेंदों में 20 रन बनाए। डेवन कॉर्मेन ने खाता नहीं खोल सका। मुंबई के लिए जैसे बर्नवन ने पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय ने एक एक विकेट लिए। 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 100 पार कर चुका था। शुभम दुबे और ऋतु गायकवाड़ क्रीज पर थे। दोनों ने संभल कर खेल गए थे और आसानी से अपनी टीम को लक्ष्य के करीब ले जा रहे थे। और 11वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 102 रन था। इस टीम के जीत के लिए 54 गेंद में 56 रन की जरूरत थी। 82 रन का स्कोर चेन्नई सुपर किंग का दूसरा विकेट। अजिंक्य रहाणे 27 बॉल पर 61 रन बनाकर आउट हो चुके। अपनी टीम के लिए 3 छक्के और 7 चौके पीयूष चावला ने सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच करे। अब शुभम दुबे के साथ ऋतु गायकवाड़ भी क्रीज पर मौजूद थे। अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए। आईपीएल के किसी बल्लेबाज के सबसे तेज अर्धशतक है। चेन्नई सुपर किंग ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 68 रन बना लिए। अजिंक्य रहाणे 20 गेंदों में 53 रन और ऋतु गायकवाड़ 12 गेंदों में 8 रन बनाकर नवाद है। चेन्नई सुपर किंग गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन का स्कोर रोक दिया। उन्हें जीत के लिए 158 रन बनाए। मुंबई के लिए ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 20 बॉलों पर 32 रन बनाए। टीम रवि ने 22 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। तिलक वर्मा ने 22, कप्तान रोहित शर्मा ने 21 और नीतीश ओकी ने नवाद 18 रन, क्रेम गेन ने 12 रन बनाए। ट्रिक्सन ने 5, अरशद खान 2, सूर्यकुमार यादव 1-1 रन बनाकर आउट हुए। पीयूष चावला ने नवाद 5 रन बनाए। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक विकेट लिए। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। मिचेल सेंटर सुतार पान 2-2 विकेट की सफलता मिली। सैदा मंगला ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। पीएल 16वें सीजन के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग से हुआ है। दोनों के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और यह चेन्नई का तीसरा मैच होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैच के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए धन्यवाद। सब्बा खैर, गुड नाइट।